हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कौन आपके लिए बना है। कौन है जो आपके लिए बना है, यानी कि जिसको आपके लिए बनाया गया है, जिसको आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, कौन है वो। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आइए देखते हैं कौन है जो आपके लिए बना है, हु इज मेड फॉर यू। सबसे पहला कार्ड है एट ऑफ वैंड्स का। हम उस इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके लुक्स कैसे हैं इस बारे में ज़्यादा बताएंगे, जिससे आप रिलेट कर पाएं। ओके, कि कौन हो सकता है वो पर्सन। इंटरेस्टिंग, टू ऑफ कप्स का कार्ड जिस तरह से पॉप आउट हो रहा था, इंटरेस्टिंग। हु इज मेड फॉर यू, वेल कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं व्यूअर्स, लेट मी टेल यू। कार्ड्स सच में काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है जो आपके लिए बनाया गया है, जिसे आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, ऐसा लगता है व्यूअर्स इस इंसान को भी आपसे प्यार है। Whoever this person is, they are also interested in you. क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसीलिए ऐसा बोल पा रही हूँ। ये जो भी इंसान है व्यूअर्स, इसके साथ आपका रिलेशनशिप रह चुका है या है, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो स्टिल आप दोनों के बीच में प्यार है, देर इज लव बिटवीन यू गाइज। और ऐसा लगता है कि ये प्यार दोनों तरफ से एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप उनको ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कम करते हैं, या फिर वो कम करते हैं या आप ज़्यादा करते हो, ऐसा कम ज़्यादा नहीं है। दोनों की तरफ से जो ये प्यार दिख रहा है वो काफ़ी म्यूचुअल दिख रहा है, काफ़ी यू नो इक्वल दिख रहा है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रहे। तो ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स जिससे आप भी प्यार करते हो, तो ये जानना टफ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका दिल जानता ही है कि आप किससे प्यार करते हो। कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपके साथ प्यार करता है। इसमें ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कुछ समय के लिए सही, लेकिन आपके साथ कनेक्शन में रहा है। ओके, या रही है या रहा है। और ऐसा भी लगता है कि अभी भी दिस पर्सन लव्स यू और दे फील फॉर यू। तो प्यार अभी भी है और दो तरफा प्यार है। ये जो हमारा टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर बता रहा है कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, दे जेन्युइनली लव्स यू द वे यू डू। तो म्यूचुअल कनेक्शन साफ साफ नज़र आ गया सबसे पहले, तो ये फर्स्ट साइन है समझने का कि क्या ये वही पर्सन है जो जिसको आप प्यार करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर व्यूअर्स जो मुझे दिख रही है, वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो है फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। सो फायर, एयर एंड वाटर, तो हो सकता है ये जो इंसान ये आपके लिए बना है, हो सकता है व्यूअर्स उसका साइन इन तीनों साइंस में से कोई एक है, या फिर ये आपके साइन के साथ भी रिलेट कर सकता है। बट येस, द फायर, एयर एंड वाटर इज प्रोमिनेंट, ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये जो इंसान है ना जो आपके लिए बना है या कहीं ना कहीं आपसे भी प्यार करता है, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स ये इंसान याद बहुत करता है आपको, या दे मिस यू। Wherever they are, whatever they do, it looks like कि ये इंसान आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी वजह से आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ या डिस्टेंस आ गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान तो रातों में सो भी नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं, इतना ज़्यादा आपकी यादें और कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स उनको याद आते रहते हैं बार बार, जो उन्हें आप ही के बारे में ज़्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं।
तो उनको उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या उनको ऐसा दिख रहा है या फील हो रहा है, बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनके इमोशंस भी ट्रिगर हो रहे हैं और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना व्यूअर्स, जो आपके लिए बना है, ये आपको भूला नहीं है या भूली नहीं है और अभी भी आपको पसंद करती हैं, प्यार करती हैं और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिस भी बहुत करती हैं और इस हद तक आपको याद करते हैं या करती हैं कि आपकी याद आने लगती है। यस, तो दे आर मिसिंग यू। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये इंसान इमोशनल है बट दे डोंट शो इट। ये इस टाइप के इंसान हैं व्यूअर्स, के इमोशंस के बारे में, इनके इमोशंस के बारे में पता तो चल जाता होगा लेकिन जब भी श्योर हैं कि नहीं आप, ये पता नहीं लग पाता होगा। यानी कि आपको समझ तो आता होगा कि ये इंसान दुखी है या मुझे याद करता है या कोई बात ऐसी है, ट्रिगर्ड हुए हैं इनके इमोशंस भी, कहीं ना कहीं ये भी मुझे मिस करते हैं, ये थोड़ा बहुत पता लगता होगा आपको, लेकिन आपको श्योर नहीं होते होगे आप या कन्फर्मेशन नहीं होती होगी कि हाँ सच में ही ऐसा है। बस आपका अनुमान आपको लगता होगा कि मुझे लगता तो है कि ये दुखी है या मुझे लगता तो है कि ये कहीं ना कहीं मेरे बिना सैड है या लोनली है थोड़ा या लोनली हो गई है, ये आपको अनुमान लगता होगा लेकिन कोई आपको इस बात का कन्फर्मेशन देने के लिए होता नहीं होगा। तो व्यूअर्स आपके बिना तो ये बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं। यस, ऐसा लगता है व्यूअर्स ये इंसान अंदर से बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हैं। छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करती हैं लेकिन ये दिखा नहीं सकते। हो सकता है इनको काफ़ी बार बोला गया हो कि अरे बार बार रोना या दुख दिखाना, अपने आप को इतना वीक और वल्नरेबल दिखाना एक कमज़ोरी है। कहीं ना कहीं ऐसा वो करेंगे, इतना ज़्यादा वीक और वल्नरेबल अपने आप को दिखाएंगे तो कोई उनको स्ट्रांग नहीं समझेगा या मैच्योर नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेंसिटिव साइड जो है उसे हाइड करके रखते हैं और जो पोर्ट्रे करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं वो है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं करेजियस हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंट हूँ, इस टाइप की पर्सनालिटी वो शो करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बाहर से ये बाहर से इस तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता होगा बट डीप डाउन दिस इज देयर एक्चुअल कंडीशन। अंदर से दुखी हैं, आपको याद करते हैं और आपकी यादें ऐसा लगता है इनको घेर लेती हैं। जब भी अकेले बैठेंगे, अकेले होते हैं तो आपके साथ जो भी उनका कॉन्वर्जेशन रहा है, जैसा भी आपके साथ उनका इंटरेक्शन या मीटिंग्स रहे हैं, जैसा भी मैसेजेस, बातें आप लोगों ने, फीलिंग्स आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, वो सब मोमेंट्स सब कुछ उनको एक साथ याद आने लगता है। और लेकिन बाहर से वो इतना कॉन्फिडेंट, इतना करेजस दिखते हैं, एक वॉरियर की तरह। यस, तो अंदर से बहुत सेंसिटिव हार्ट है इस इंसान का और इस बात का आपको डाउट होता होगा लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती होगी। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, इस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। ये इंसान बातें घुमा के अपने इमोशंस भी छुपा लेगा, बातें घुमा के, बातें बना के आपको या किसी और को कन्विंस भी कर सकता है। या हो सकता है इनकी वॉइस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। कई लोगों की आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव होती है, सुनकर अच्छा लगता है, सुनकर ही लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, आगे कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जिस इंसान, ये जो इंसान है जो आपके लिए बना है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनके अंदर भी वो बात है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, या तो इनकी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड है या हो सकता है कि इनकी स्पीच जो है, इनका जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ स्पीच है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है। इनकी बातें सुनकर बातों का विश्वास करने का मन करेगा, इनकी बातें सुनकर इनसे बार बार बातें करने का मन करेगा और जो इनसे बात करेगा कहीं ना कहीं किसी हद तक तो इनकी बातों से कन्विंस हो सकता है। तो ये इनकी बातों में जादू है, कोई जादू कह सकता है, कोई मैनिपुलेशन कह सकता है, कोई आर्ट कह सकता है, कला है, लेकिन यस दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो फिर फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना अलग बात है और जो हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो बात बता देना डिफरेंट है। हम क्या बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते हैं, ये तो चॉइस होती है, लेकिन हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो दूसरों पर क्या असर डालता है, वो कैसा साउंड करता है, ये डिफरेंट बात है। तो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, हो सकता है इनकी वॉइस भी बहुत अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ दे हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। एवरेज लुकिंग पर्सन नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है अट्रैक्टिव है, काफ़ी लोग इनको अट्रैक्टिव समझते हैं, काफ़ी लोगों की दृष्टि में ये इंसान गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है। कहीं ना कहीं
फेस ज्यादा क्यूट या ज्यादा चार्मिंग है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है फिजिक जो होगी वो काफी अट्रैक्टिव होगी। हो सकता है ये इंसान जिम जाते हैं या जाती हैं, अगर नहीं भी तो नेचुरली इनकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव लगेगी दिखने में। और साथ ही साथ जो मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे हैं इनके। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ना, यस जी, ये इतने इमोशनल हैं क्योंकि दोबारा यही बात आ रही है कि ना एक बात नहीं छुपाई है इन्होंने अपने दुख की कि ये आपसे आपको मिस करते हैं या आपको याद करते हैं। ये ऑलमोस्ट 70-80% बातें मन में रख लेते हैं, अंदर छुपा के रखते हैं सब, या कह सकते हैं अंदर दबाए रखते हैं सब, सब कुछ अंदर ही दबाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वोकल होकर बहुत ज़्यादा यू नो एक्सप्रेस नहीं करते कि सोचते क्या हैं, फील क्या करते हैं, क्योंकि हाँ मून का कार्ड भी है, मुझे काफ़ी इमोशनल इंसान दिख रहा है, लेकिन अगेन मुझे यहाँ पर हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स भी दिख रहे हैं। तो ये इंसान सच में बहुत इमोशनल है व्यूअर्स। शायद अगर आप अपने आप को इमोशनल कहते होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि शायद ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है और करेंटली भी इमोशनल फील कर रहा है, लेकिन ये किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि हम ब्रेव हैं, स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, इसका मास्क पहन के रहते हैं और अंदर बहुत हलचल होती है, अंदर बहुत अशांति होती है। इनके साथ भी ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी कैजुअल है, काफ़ी नॉर्मल कैजुअल है, बहुत एक्स्ट्रा ओवर या ज़्यादा फैशनेबल नहीं है, बहुत ही कैजुअल ड्रेसिंग सेंस है इनका। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो इंसान है ना व्यूअर्स काफ़ी पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने पार्टनर को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके एनर्जेटिक, काफ़ी चीज़ों को लेके पैशनेट और यू नो मोटिवेटेड हैं। लेकिन जब बात अब ऐसी हो गई है इनके साथ कि ये जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए इतने पैशनेट हैं, उसी से ये अलग हो गए हैं। और अगर ये प्यार एक तरफा होता तो शायद टूट भी जाता या भुला दिया जाता आसानी से, वॉट एवर इट इज़, लेकिन ये म्यूचुअल कनेक्शन है। ओके, मैं इसको और क्लैरिफाई करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके व्यूअर्स, इस पर्सन के नाम में 7 अल्फाबेट्स हो सकते हैं या आपके नाम में 7 अल्फाबेट्स हो सकते हैं, 5 अल्फाबेट्स हो सकते हैं, 5 अल्फाबेट्स, ओके 6, ओके मुझे 5 और 7 ज़्यादा लग रहा है, पर हाँ ये इतनी ये जो बात है ये सबके साथ रिलेट तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे जो लगा मैंने बता दिया। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हो सकता है कि ये इसी पर्सन का डेट हो जो आपके लिए बना है जिससे आप रिलेट कर पाए। सबसे पहला कार्ड ये भी आ गया है, तो पहले कुछ डेट्स मैं जो दिख रहे हैं वो बता देती हूँ, आपका या उनका बर्थ डेट भी हो सकता है। 2, 12, 22, 9, 19, 28, 18, 28, 7, 17, 27, 11, 21, 31, 1, 10, 20, 30, ये कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रेलिवेंट हो सकता है। अगर ये बर्थ डेट भी नहीं है आप दोनों में से किसी का, तो ये कोई और इम्पोर्टेंट स्पेशल डेट हो सकता है, और अभी तक इस डेट पर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले दिनों में ये डेट्स इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। अगर आप चाहें तो डेट्स को याद कर सकते हैं। तो पहला कार्ड तो आ ही गया है, विच इज़ द कार्ड ऑफ मोरालिटी एंड द कार्ड ऑफ न्यू विजन। लेट्स टेक वन मोर। ओके, तो एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है, विच इज़ द कार्ड ऑफ अलोननेस। इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना बहुत मॉरल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले इंसान है, यानी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अपने जो सिद्धांत है जीवन में या जो वैल्यू सिस्टम है इनका, उसको बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। या सॉरी फॉर मूविंग दिस कैमरा, जस्ट अ सेकंड। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि व्यूअर्स लाइफ में ना एथिकल चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो गलत है, जो फैमिली को गलत लगे, जो सोसाइटी में गलत साबित हो जाए, कुछ ऐसा जो कल्चर के अगेंस्ट चला जाए, कुछ ऐसा जो प्रिंसिपल्स और फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छे इंसान है, साथ ही साथ ये अपने वैल्यूज़, मॉरल्स और एथिक्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की वजह से
वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं लाइटली लें या वो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दें, दे डोंट लाइक दैट, उनको अच्छा ही नहीं लगता ये सब। या यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, यानी कि काफ़ी अच्छे इंसान ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो इतना ज़्यादा प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं व्यूअर्स, वो फ्यूचर में जाके अच्छा ही करते हैं, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते ऐसे। तो ये जो इंसान है व्यूअर्स, इसकी पहचान ये भी है कि बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और एथिक्स को फॉलो करते हैं। चीप चीज़ें, शॉर्टकट चीज़ें, या कह सकते हैं ज़्यादा टॉक्सिसिटी इनके अंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनके पास ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी एम्बिशियस भी है, या करियर को लेकर हो सकता है ये इंसान, कि सक्सेसफुल होना है, किसी एक पोजीशन पर पहुंचना है, कुछ अचीव करना है, इस टाइप की इनकी थिंकिंग हो सकती है। तो कुछ अचीव करना है ऐसा लग रहा है, सक्सेसफुल होना है, या इनका कोई एक विजन है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, कोई ड्रीम है ऐसा जिसे पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही एरिया में इन्होंने फोकस किया है, काफ़ी एम्बिशियस दिखता है ये इंसान, ये दिखती हैं, इनके सपने बड़े बड़े हैं। यस, दिस पर्सन इज एम्बिशियस। साथ ही साथ ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके बिना इस समय ये अकेले हैं, सिंगल हैं, ये किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रही हैं, ना ही किसी और ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। दे आर अलोन इन देयर लाइफ, दे आर नॉट लुकिंग फॉर समवन एल्स। किसी और को ना ही देख रहे हैं, ना ही किसी ऑप्शन को एंटरटेन कर रहे हैं, और ना ही किसी और में इंटरेस्टेड है। दे आर सिंपली अलोन एंड सिंगल। ओके, लाइफ में अकेले हैं ऐसा लगता है करेंटली। अगर इनकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो ऐसा लगता है करियर पर फोकस कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं आपके और इनके नाम में क्या अल्फाबेट्स हो सकते हैं व्यूअर्स। कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पर भी हैं, जिसमें से है एक वी, जी, जेड, यू, एच, ए, सो ए सी एस, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं व्यूअर्स यहाँ पे। सो एस भी है, सी भी है, ए है, एच है, यू है, जेड है, जी है, वी है, ये कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके या उनके नाम में। ओके, तो आप पहचान सकते हैं कि किसकी बात हो रही है अब भी। ओके व्यूअर्स, यस, सो दिस वॉज द रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।